टू बैक टू ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल्स। दो लोगों ने दस्तक दी है तो मैंने सोचा कि धोखा ही खाना है तो धोखा दिल फरेब तो हो। दोबारा एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 20th October। तुम अपनी दुनिया मेरे लिए नहीं छोड़ सकती ना? बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी अपनी दुनिया से उतना ही प्यार है जितना तुम्हें अपनी दुनिया से। इश्क़ेला एवरी थर्सडे फ्रॉम 21st October। डबल डोज ऑफ प्योर एंटरटेनमेंट ओनली ऑन हम टीवी। तुम अभी और इसी वक्त इसे तलाक दोगे? अभी ये मुमकिन नहीं है। मेहरबानो, मेरे दुश्मनों के घर से है और मैं हूँ दुश्मनदार। वो इस घर में बस जाए ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। तो फिर मुझसे एक वादा करो। कहो। तुम उससे करीब नहीं जाओगे, उसके साये तक से ताल्लुक नहीं रखोगी, वरना कसम से मैंने उसे ही मार देना है तुम्हें भी। क्या मैं पागल हूँ? तुम्हें छोड़ के उसके पास जाऊंगा? इतनी मेरी हसीन और जमील बीवी है, किसी और की तरफ क्यों देखूंगा मैं? वादा, कसम से नहीं जाऊंगा, और अगर गया तो जान हाजिर है, जो चाहे कर लेना। खुश मेरी बीवी सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगी। ऐसी मोहब्बत पर तो मर मिटी हूं तुम पर। मैं भी तो मरता हूं तुम पे, मोहब्बत नहीं इश्क करता हूं। वो तो तुम्हारे भाइयों के आगे शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं कब चाहता हूं ऐसा हो? अब नुकसान हो गया कारोबार में तो क्या करूं, और छोटा मोटा भी नहीं, इतनी सारी रकम डूब गई, परेशानी तो होगी ना। देखो सुनो, एक ही बार चक्का मारूंगा, इसकी जायदाद मेरे हाथ आ जाए तो सब मसले हल हो जाए। तुम्हारे भाइयों का कर्जा भी उतार दूंगा, तुम्हें भी खुश करूंगा और इसको करूंगा दफान। ये कैसी आजमाइश है या अल्लाह, पिछले 10 साल इंतजार की अजियत में गुजर गए। मैंने तेरी रजा के सामने सर झुकाए रखा, मेरा इम्तिहान आखिर कब खत्म होगा? या अल्लाह, बर्दाश्त नहीं होता, दिलो दिमाग इस रिश्ते को नहीं मानता। मैं क्या करूं, घर जाऊंगी तो अब्बा मियाँ जीते जी मर जाएंगे, यहां रहूंगी तो जिंदा गाड़ दी जाऊंगी। मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। चची अम्मा, ये चीजें। काम वाली नहीं आई क्या? आई थी, मैंने उसे वापस भेज दिया। घर की सारी सफाई और खाना वगैरह मैं बना लूंगी। पते की बात बताता हूँ भाभी, इस घर में सिर्फ वो ही रह सकता है जो सिर्फ अपनी सोचे और बस। बोझ उठाना तकलीफ नहीं देता, लेकिन किसी पर बोझ बनूं ये गवारा नहीं है। यही सिखाया है मुझे मेरे अपा मियां ने। तुम भी तो बीवी हो उनकी, जिम्मेदारी हो, बोझ तो नहीं हो। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि मुझे किसी को अपनी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी। इस घर में अगर एक भी नवाला मेरे हलक से नीचे उतरे तो मैं चाहती हूँ मेरी मेहनत की कमाई हो। अजीब ख्यालात हैं भाई, इस दुनिया की नहीं लगती हो शायद।
नाश्ता करेंगे आप? पता है, इससे पहले इस घर में कभी किसी ने इतने प्यार से पूछा ही नहीं। पहली बार। पहली बार अपने लिए इतना रसीला लहजा सुना। मजा ही आ गया। मतलब? एक महरूम ही दूसरे महरूम का महरम राज हो सकता है। गौर कीजिएगा, आज तो नाश्ते का मजा ही आ जाएगा। चाय तैयार है, बिस्किट भी लाई हूँ, लेना। मेहरान भाई, एक बात कहूँ, भूल जाए उसे। कैसे रहती होगी वो? जब भी इस चीज के बारे में सोचता हूँ अजीब वहशत सी होने लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उसकी हर तकलीफ का जिम्मेदार बस मैं ही हूँ। आपने खाला के जाने को बहुत महसूस किया, इसलिए शायद आप ऐसा फील कर रहे हैं। वो तो अपनी मर्जी से गई हैं, इसमें आपका क्या कसूर? आपने तो उनसे मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत। आपने उनका कभी बुरा नहीं चाहा, और वो ये बात जानती थी। शायद, पता नहीं, बस कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये कैसी मोहब्बत थी मेरी कि उसने मेरी नजरों के सामने गहरी खाई में छलांग लगा दी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं खुश हूँ। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? खुद को तकलीफ मत दे भाई, और दुआ करें कि वो अपने घर में सुखी हो। ये क्या बिस्किट तो मैंने यहीं पे रख दिया है, बिस्किट तो लें। लीजिए नूर के हाथ का गर्मा गर्म। ना बिटिया, ना 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 ना, बिल्कुल भूख नहीं है मुझे। चाय की प्याली पिलाऊंगी। चाय पियेंगे और फिर सारी रात जागते रहेंगे। मेरू खाला होती ना तो बताती हैं आपको, मेरी तो एक भी नहीं सुनते हैं। जी आपकी आंखों के सामने रहेगी तो आपके हुक्म के मुताबिक रहेगी ना। उधर तो ये अयाशियां करती फिर रही है। मैं आपको कभी खफा नहीं करूंगा जिंदगी में, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। बड़े मियां अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर देंगे। जिस बंगले में ये रह रही है वो कम अज कम 20 करोड़ का है। उसके अलावा 2-4 दुकानें भी हैं। 30-35 करोड़ की असामी है ये, इसको क्या मैं ऐसे ही जाने दूं? लीजिए जनाब चाय। जीती रहो। एक बात बताऊं आपको, खाला की कॉल आई थी कल। अच्छा, खुश थी? शायद। क्या मतलब शायद? ज्यादा बात ही नहीं की उन्होंने, कह रही थी कि मुराद खालू बुला रहे। समझ गया, इसका मतलब है खुश है वो। शादी के शुरू के दिनों में फुर्सत कहाँ होती है। ये भी है। ये दूध कितना डाला है बेटा इसमें? जो भी बनाया ना चुपचाप पी लीजिए। अच्छा भाई, अच्छा। गेट खोले, मैं आ गया हूँ। सब सो गए क्या? मियाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है, सब तुम्हारे इंतजार में जागते रहेंगे क्या? मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। फीस के पैसे मिले क्या? हाँ, मुझे मालूम था, और इसी बेचैनी की वजह से आपकी आंख नहीं लगी होगी। ज्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं है। पहले कब तुम्हारे फोन पे गेट नहीं खोला? फिलहाल मेरी ट्यूशन छूट गई है, समझे आप, इसलिए मैं आपको गेट खोलने के पैसे नहीं दे सकता।
आइंदा से ज़हमत मत कीजिएगा। नखरा तो देखो इसका। खाना तो खाया नहीं होगा तुमने, मैं तुम्हें अयाज़ आहिस्ता बोले भाभी, सब घर वाले सो रहे हैं, जाग जाएंगे। जिसकी वजह से आप जाग रही हैं, मैं भी उसी की वजह से कह रहा हूं कि आहिस्ता बोलूं। अरे यार समझ गया हूँ सब, सुबह आऊंगा तो बात कर लूंगा मैं उससे। ओके ओके बाय। मेहरान, इस घर की तन्हाई और खामोशी में मेरा दिल घबराने लगा है। तो अम्मी, कुछ दिनों के लिए सारा को क्यों नहीं बुला लेती? चंद दिनों के लिए सारा को अगर मैंने बुला भी लिया तो क्या होगा, फिर वही मैं और मेरी तन्हाई। बेटा ये तो कोई मुस्तकिल इलाज ना हुआ ना। तो ये साथ से नूर को बुला ले। मैं इधर उधर के लोगों को बुलाकर अपना दिल क्यों बहलाऊं? बेटा तुम अपने बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं हो? अच्छा तो क्या सोचूं? जो पहले सोचा था वो कौन सा मिल गया। अच्छा सोचोगे तो पूरा होने में वक्त भी नहीं लगेगा। देखो बेटा, वक्त जो गुजर जाता है ना, फिर वो वापस नहीं आता। यही बेहतरीन साल है तुम्हारी उम्र के। इस तरह तन्हा तन्हा जिंदगी ना गुजारो बेटा। काश आपने ही पहले सोच लिया होता। उफ, एक ही बात पर कब तक अड़े रहोगे भाई? जो हो गया सो हो गया, अब उसके ऊपर क्या किया जा सकता है? वो अपने घर की हो गई, छोड़ दो उसका पीछा। दुनिया भरी पड़ी अच्छी लड़कियों से, न जाने तुम्हें क्यों लड़की नहीं दिखाई देती कोई। जिस दिन मुझे उस जैसी लड़की नजर आ गई, उससे शादी कर लूंगा। फिक्र मत। क्या बकवास है, अल्लाह ना करे कि उस जैसी कोई दूसरी लड़की का साया भी तुम पर पड़े। और तुम किस बात का रोग लगाए बैठे हो, न जाने क्या दिख गया है तुम्हें उसमें। वही जो कभी आपको नजर नहीं आया मेरू में। यही कुछ पुराने धुराने कपड़े, चंद किताबें। इससे कुछ कम ही सही। आफिया भाभी का जेवर है आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तुम हमसे हिसाब किताब करोगी। मेरा वो मतलब नहीं था। रिवाज है हमारे यहाँ, सास के पास रहता है बहू का जेवर कहना। मैं आपकी बहू कब हूँ? आपकी बहू आपके बेटे के कमरे में है। वाह, क्या जबान चलती है असगर मेहताब की बेटे की, खूब तरबीत की है। चलो देखते हैं, और हम जरूर देखेंगे।
मुराद आएगा तो उससे पूछूंगी आखिर ऐसी क्या उजलत की मार पड़ी थी जो खाली हाथ झुलाते ले आया। अंसारी साहब भी तो थे, अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बेटी को दे दिलाकर रुखसत किया। किस बात पर जला रही हैं अम्मा, क्यों बड़बड़ा रही हैं? गरीब गुरबा भी जब अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो कुछ ना कुछ दे दिलाकर इधर उधर से कर्जा उठाकर रुखसत करते हैं। असरली मेहताब ने तो जैसे सर से बोझ उतारा हो, जायदाद का लारा देकर मेरे सीधे साधे बच्चे को बेवकूफ बना दिया। अब सब मेरे भाइयों जैसे फराग दिल थोड़ी हो सकते हैं जो शादी के बाद भी अपने बहनों को भरते रहे। हाँ हाँ, अपनी बहन को खुश रखते हैं। वैसे मेरा बेटा भी दिखने में किसी शहजादे से कम नहीं है। यही मेरी कमजोरी है कि आपका बेटा प्यारा है, उसकी सूरत से मोहब्बत करती हूँ। वरना तो वरना क्या? हाँ, कुछ तो करती। क्या करती? ऐसे मौके पे शायद बहुत कुछ करती। चार महीने से रुका हुआ है पूरा घर, आप यकीन करें दो कमरे नहीं बना पा रहा, कुछ तो जल्दी कर दें। मेहरबानी मामू। आपसे बात करनी थी। तो मैं क्या बात करनी है बोलो। पैसे चाहिए थे। किस बात के? सेमेस्टर शुरू हो गया, फीस जमा करानी है। अजीब अजाब है इस घर में भाई, कारोबार चल नहीं रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। चार महीने से कोशिश कर रहा हूँ, पैसे नहीं, क्या करूँ? कुछ तो दे दें, बाकी मैं ट्यूशन व्यूशन से निकाल लूंगा पैसे। बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ हम ही रह गए थे, पूरा दिन आवारा गर्दी करता है ये। कौन से ट्यूशन की बात कर रहे हो? आपसे बात नहीं कर रहा मैं, अपने मामू से कर रहा हूँ। देख रहे इसके तेवर, हुप्पी भतीजे का एक ही अंदाज है मुझसे बात करने का। हाँ देख रहा हूँ। हाँ हाँ देख रहे, लेकिन करना कुछ नहीं है। हराम खाने वालों की कमी नहीं है इस घर में। मैं तो पहले ही अम्मा से कहती हूँ कि एक घर नहीं यतीम खाना बन गया है। आमदनी कम से कम होती जा रही है, बिजनेस आपसे नहीं संभल रहा, ऊपर से ये लोग। अच्छा खामोश बस। हाँ हाँ मुझे खामोश करते रहे, मुझे ही करते रहे, मैं ही एक रह गई ना बेचारी। करा देना फड्डा, खुश है। छोड़ो तुम खामोखा मूड खराब करियो अपना, मुझे बताओ खाना बन गया? कितनी देर है? तैयार है। तो फिर लगाओ ना जानू। आप चले, मैं लगवाती हूँ। पता नहीं किस जुर्म की सजा मिली है कि जो मुझे मेरे बाप के घर से देश निकाला मिला। और तो और इसके घर से एक और तशरीफ ले आई है। नानी ठीक कहती थी, मेरे ददियाल वाले हैं ही बेगैरत। आज तो बड़े अरसे के बाद खाने का मजा आया है। खुशबू भी अच्छी, रंग भी और जायका भी। बावला हो गया क्या? ये बिरयानी की खुशबू है, ये खाना पकाया है उसने। हाय हाय, कसम से इतने बद जायका कबाब जिंदगी में नहीं खाए। अब दोनों ज्यादती कर रही हैं। चक्कर तो देखें। चख लिया।
अच्छा भैया, ताजी रोटी उतर रही है, पकड़ा दे भाई। अरे वाह, जादू है आपके हाथों में। नफासत के साथ साथ जायका भी भरपूर। हसीन चेहरा, नमकीन सूरत, ऐसा ही लजीज खाना। हद हो गई, हमने तो आज तक ऐसी दीदा दलेरी नहीं देखी, ना हैसियत ना मकाम, इतनी हिम्मत, अच्छे पे हाथ झड़ दिया। भाई मैं तो कहती हूँ कलाई मोड़ के हाथ निकाल क्यों नहीं लिया, हमारे सामने तो जबान रुकती नहीं है, उसके सामने चुप, ये भी तो पूछे। भावज लगती है इसलिए लिहाज कर गया। खबरदार जो उसे भावज बनाया, मेरे बेटे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छे भैया अभी खूब लट्टू हुए जा रहे थे ना उसके पीछे, खाना बहुत लजीज है यही कह रहे थे ना आप। खाने के साथ साथ हाथ का भी मजा चखा लिया ना, बहुत आला हुआ। मैं तो कहती हूँ कि और करती हूँ। ताओ मत दिलाएं फटना, वरना क्या। अच्छे भैया खामोश क्यों हो गए, बोलो वरना क्या। बदला लेना हमें भी आता है। अच्छा अब तुम मुझसे बदला लोगे? क्यों ना लें बदला। वैसे ये फजूल की बहस है, इस घर में तो हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, छोड़ो इस बात को, खत्म करो यहाँ पे बस। अच्छा उसके खिलाफ सुनते हुए बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है। मुराद आप एक बात गौर से सुन लें, उसकी तरफदारी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओ भाई मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहता हूं कि मेहरू ने इसको थप्पड़ मारा क्यों। खाने की तारीफ ही की थी, पता नहीं क्या समझ बैठी, थप्पड़ मारती। ऐसे काले कदम है, जब से इस घर में आई है एक दिन सुकून का नसीब नहीं हुआ। लड़का गुजरा यहां से बॉडी स्प्रे। चली आए यहाँ पे? इस सवाल का जवाब तुम मुझे दो, तुम्हारे होते हुए मजाल कैसे हुई किसी की? इस सवाल का जवाब भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, इंतजार तो कीजिए। अब्बा मियाँ ने कहा था उस घर में और कोई हो ना हो अय्याज होगा तुम्हारे साथ, खून है तुम्हारा, खून की कशिश जरूर पुकारती है। खून की कशिश। इतना जानना चाहता हूं कि मेहरू ने इसको थप्पड़ मारा क्यों।
बड़ी ढीठ औरत हो तुम। एक मुद्दत तक तुम्हारे शौहर ने तुम्हें मुंह नहीं लगाया, तुम रातों रात उठ के आ गई। मुराद ने मुंह नहीं लगाया तो अच्छे को मुंह लगा दिया और सबको दिखाने के लिए थप्पड़ मार दिया ताकि तुम मुराद की हमदर्दियां समेट के दिल में। मुझे आपके शौहर में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो आप ही को मुबारक हो। झूठ, तुम क्या कर रही हो हम सबको साफ साफ नजर आ रहा। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी अदाएं अपना सलीका दिखा के मुराद को अपने जाल में फंसा लोगी? हर गिज नहीं, मेरी बराबरी करने की कोशिश मत करना। आपको समझ नहीं आती, मुझे आपकी बराबरी नहीं करनी। करनी भी नहीं चाहिए। और एक बात कान खोल के सुन लो, मुराद की बीवी मैं हूँ, सिर्फ मैं, ये बात याद रखना। मेहरान भाई। आपको पता है अम्मी ने आज मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? अब मुझे इल्हाम तो होने से रहा। चलें तो जनाब मैं आपको बता देती हूँ, अम्मी कल लड़कियाँ देखने जा रही हैं। क्यों, उन्होंने पहले कभी लड़कियाँ नहीं देखी? भाई देखो उन्हें बता दो मैं इस वक्त ज़हनी तौर पे एक शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। कौन सा कल बारात आ रही है आपकी? सारा से इस वक्त ये बातें मत करो। मुराद सच बताओ। क्या वो हसीन बला अच्छी लगती है ना तुम्हें? किसकी बात कर रही हो? अरे वही मेहरबानो, खाने की टेबल पे तो खूब हिमायत हो रही थी उसकी। ओ वो, वैसे तुम भी हद करती हो, मेरे जहन में दूर दूर तक उसका ख्याल भी नहीं था, लेकिन तुम रोज उसकी बात करती हो ताकि मुझे वो याद आ जाए। क्यों? तुमने तो ऐसी हरी झंडी दिखाई है कि वो तो अब अच्छे भैया के पीछे पड़ गई है। तो फिर थप्पड़ भी तो कैसा खाया? ये इसीलिए उसने तुम्हारी हमदर्दी जीतने के लिए ही ये किया था, मुझे पता था। देखो जब तक तुम उसे शट अप कॉल नहीं दोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। किसको फर्क पड़ेगा? ठीक है, नहीं फर्क पड़ता ना किसी को। अभी भाईजान को कॉल कर देती हूँ, उन्हें हर्फ पर हर्फ बता देती हूँ कि उनकी इकलौती बहन के साथ हो क्या रहा है, कि उसके सर पे एक सौकन को लाके बिठा दिया है। फिर वही देख लेंगे तुम्हें और हिसाब किताब भी कर लेंगे। तुम्हारा और उनका तो लंबा खाता है। हम खाब टाइम देखो, ये फजूल बातें करने का टाइम, कोई अच्छी बात करो। ये जो तुम्हारा स्टाइल है ना, ये गुस्सा इसमें प्यारी लगती हो। हसीन कुछ पिला दो यार, चाय वाय, थका हूं थोड़ा सा, पेट नहीं भर पाऊंगा। आपने पास क्या है? Thank you.
ये कोई वक्त है घर आने का, आइंदा ख्याल करना। तुम्हारे लिए खाना गर्म किया है, खाली पेट ना सोना। बात सुनो, ये कल जो घर में तमाशा लगा है ना, दोबारा ना लगे। दो लफ्जों में साफ बात कर रहा हूं तुमसे, बस। किस तमाशे की बात कर रहे हैं आप? अच्छे मियां का मेरा हाथ पकड़ने की, नाजेबा गुफ्तगू करने की, या फिर थप्पड़ खाने की? वजाहत कर दीजिए। टिपिकल औरतों की तरह बात का बतंगड़ बनाने की तुम्हें भी आदत है। कभी सोचा है किसी ने कि ऐसी बात ही क्यों होती है जिसका बतंगड़ बनाया जा सके? जुल्म को देखकर चश्मपोशी करना गुनाह है, लेकिन आप समझकर भी बात को समझना ही नहीं चाहते। कौन सा जुल्म? नहीं, तुम क्या समझाना चाह रही हो, साबित क्या करना चाहती हो उस पर इल्जाम लगा के बेचारे पर? हाँ, आपके सामने साबित करके क्या हो जाएगा? आप तो अपनी इज्जत की हिफाजत करने के लायक ही नहीं है। मैंने हमेशा से अपनी इज्जत की हिफाजत खुद की है और आगे भी कर लूंगी। आप दखल अंदाजी ना करें। सुबह पड़े ये लो। ये क्या है? नजर नहीं आ रहा। हार है, किताबें, लेकिन किस लिए? इम्तिहान देने के लिए। अब्बा मियां, आप इस उम्र में इम्तिहान देते अच्छे लगेंगे क्या? मैं नहीं दे रहा इम्तिहान, तुम दे रही हो। मैं? मजाक कर रहे ना? आपको किसने कह दिया कि मेरा कोई ऐसा इरादा? मैंने इंटर पास कर लिया ना, बस काफी है। बिटिया, इंटर पास को हमारे खानदान में अंगूठा छाप और जाहिल समझा जाता है। कम से कम तालीम एम में होती है हमारे खानदान में। बिटिया, आपके खानदान में हो तो होगा ये सब रिवाज, लेकिन हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज। ए, कहाँ भाग रही है? वापस आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। जी, क्या है अब्बा मियां? पकड़ो। वही तो पुरानी किताबें। बिटिया, किताबें नई और पुरानी नहीं होती, सिर्फ किताबें होती हैं। इधर आओ, हाथ पकड़ो। कितनी बस नहीं, मुझसे नहीं पढ़ी जाएंगी इतनी मुश्किल किताबें। अंदाजा था मुझे कि तुम्हारे बस की बात नहीं, इसीलिए मैंने मेहरान मियां से बात कर ली। वो पढ़ाएंगे आप। अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमा, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। तो नहीं, कौन सी ज़बान लिखी है इसमें? कर देता हूं। नाराज हो? मुझे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या हो गया? वादा करने के बावजूद उसे कमरे में गए थे ना, गया था। मैं उसके कमरे में 10 बार भी जाऊं ना तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें मुझ पे एतबार करना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं, जानती हो ना ये बात?
मुझे बहलाए मत। मैं क्यों बहलाऊंगा तुम्हें? रुको, हाथ छोड़े मेरा। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था मैंने, समझी? नहीं छोड़ूंगा। और वो जिसे हम दोनों के बीच सजा रखा है? वो कुछ भी नहीं है, ना कभी होगी ना रहेगी। मेरे लिए अगर कोई कुछ है तो वो तुम हो और तुम ही रहोगी। सच कह रहे हो? इधर बैठो। आंखों में देखो मेरी, गौर से देखो मुझे। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? पहले कभी बोला है झूठ? प्यार करता हूं तुमसे। ये अच्छी लग रही हंसते हो? इतना ऐसा हो गया है, घुमाने लेके गए या किसी डिनर पर, क्या है ये सब? जब मर्जी हुक्म करो, एनी टाइम। मौसम अच्छा हो गया, माहौल भी रोमांटिक सा। हाँ, फिलहाल कॉफी पीने का दिल कर। खुद बनाकर लाती हूँ।